साथियों, आपका आपके YouTube चैनल में स्वागत है। हम देखिए साथियों, पढ़ रहे थे त्रिकोणीय अनुपात। उस पर हमने कुछ सवाल पहले किए थे, कुछ सवाल बाकी रह गए हैं, वो मैं आज आपको समझा रहा हूँ। कहीं दिक्कत हो वापस आप मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे हम। देखिए साथियों, हमारा जो सवाल है वो 18 से बाकी है। हम 18वां प्रश्न इस प्रकार से दिया, आपने को देखिए सिद्ध करना है इसको। इसमें भी आपके दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष, एक पक्ष को इसको लेके चलना है और बराबर हमें 10 लेके आना है। हम क्या करते हैं देखिए साथियों, यहाँ LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष ले लेते हैं। जो मान हमें यहाँ दे रखा, जो अनुपात हमें यहाँ दे रखा है, हम उसका मान यहाँ रखते हैं। देखिए अपने पास sec स्क्वायर 30, ठीक है दोस्तों। तो sec 30 का मान जो हमें यहाँ पे रखना है, cos 30 का उल्टा sec 30 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, तो इसका मान हो जाएगा अपने पास 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ बड़ा कोष्टक लगा लीजिए, क्योंकि ये कोष्टक और लग जाएगा, यह स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cosec स्क्वायर 45, ये साइन का उल्टा है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है दोस्तों। तो कोसेक का हो जाएगा अपने पास √2 का होल स्क्वायर और कोष्टक बंद, ठीक है दोस्तों। अपने पास आगे चलिए, आगे हम कोष्टक लगाते हैं, ये 2 है इनटू आपके पास कोस 60, कोस 60 का मान जो है वो आपका 1/2 है, प्लस साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1/90 डिग्री का, प्लस टेन 45 का मान भी आपके पास 1 है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, इसमें जो कट रहा है उसको काट, 2 एकम 2 कट गया। अब हम इसको आगे हल करते हैं, इम्प्लाइज इसका वर्ग करेंगे तो अपने पास 4 और √3 का वर्ग करेंगे तो 3, ठीक है, प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करते हैं तो रूट में जो भी संख्या मैंने पहले भी बताया था, कोई भी संख्या होती है उसका वर्ग करते हैं तो वही संख्या निकल के वापस आती है, ठीक है दोस्तों। अब अपने पास इधर बच गया, याद देखिए 1 × 1 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, और यहां हम लघुत्तम लेते हैं तो अपने पास देखिए साथियों, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं और 3 लघुत्तम आ गया, 1 और 3 का, 3 का भाग दिया 3 में एक बार, उस 1 को 4 से गुणा किया तो ये 4, बीच में प्लस लगा हुआ, प्लस लगा दिया, ये कोष्टक है तो कोष्टक लगा देंगे। अब इस 1 का इस 3 भाग देंगे, 3 भाग गया, 3 को इस 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास 6 आ गए, ठीक है दोस्तों। और इधर अपने पास गुणा में 1, 2 और 3, ये कोष्टक कट जाएगा और गुणा में 3 को जोड़ दिया, 3 आ गया, 3 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब अपने पास क्या, इनको जोड़ेंगे हम, 4 और 6 अपने पास 10/3 गुणा 3। अब देखिए दोस्तों, ये 10 तो हो गया है, बटा 3 है, इंटू 3 है, 3 से 3 कट गया, अपने पास क्या आया 10, ठीक है ना दोस्तों। ये बराबर RHS के, यानी अपने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ये अपना आंसर हो गया। हाँ तो दोस्तों, अपना जो 19वां सवाल है वो है अपना 1 − sin 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, कोष्टक बंद, कोष्टक 1 + cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री बराबर 7/4। इसमें भी 2 पक्ष हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, दायां पक्ष ले लेते हैं, इसको हम लेते हैं, कोष्टक लगा दिया हमने, 1 जैसा वक्त 1 है वैसा है लिख दिया, माइनस है माइनस लगा दिया, और साइन 45 का मान अपने पास होता है 1/√2, ठीक है दोस्तों। और अपने पास साइन 30 का मान होता है 1/2, एक कोष्टक बंद कर दिया, फिर एक कोष्टक लगा दिया, 1 है 1 लिख दिया, ठीक है दोस्तों, प्लस है प्लस लगा दिया। कोस 45 का मान होता है 1/√2, प्लस है प्लस लिख दिया, और कोस 60 का मान होता है 1/2, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, जो प्लस प्लस की संख्या है उनको जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस की संख्या उनको जोड़ लेते हैं। मैं यहां जोड़ता हूं 1 + 1/2 − 1/√2, ठीक है दोस्तों, और यहां 1 + 1/2 + 1/√2 एक साथ लिख दिया मैंने।
अब इनको जोड़ते हैं, इसके नीचे एक मान लेते हैं, इसके नीचे भी एक मानते हैं, इन दोनों को हम लघुत्तम लेते हैं। तो अपने पास क्या गया दोस्तों, इस प्रकार से लगाने से अपने को लगता है कि सवाल आगे बढ़ रहा है। इसका लघुत्तम लिया दो आया, एक और दो का, इस एक का भाग दो में दिया दो बार, दो को इससे गुणा किया दो, प्लस दो का भाग दो में दिया एक बार, इससे गुणा किया प्लस एक माइनस, ये है दोस्तों, ये माइनस है एक बटा अंडर रूट दो, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार से इसका भी ये लघुत्तम दो आएगा, और दो प्लस एक बटा अंडर रूट दो, रूट दो वाली संख्या को हमने साथ में नहीं लिया है। अब अपने पास हो गया तीन बटा दो, दो और एक तीन, माइनस एक बटा अंडर रूट दो का, और ये भी तीन बटा दो प्लस एक बटा अंडर रूट दो, ठीक है दोस्तों। अब अपने पास क्या देखिए साथियों, एक सूत्र है बीजगणित में, वो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अगर हम इस सूत्र को इसमें लगाते हैं, यहाँ a बराबर तीन बटा दो हो गया, b बराबर माइनस एक बटा, तो एक बटा रूट दो हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ a माइनस बी, ए प्लस बी, इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार लिख देंगे हम। तो देखिए साथियों, यहाँ पे लिखता हूं मैं, यानी ए स्क्वायर यानी तीन बटा दो का होल स्क्वायर, ये तीन बटा दो का होल स्क्वायर, और माइनस तो माइनस लगा दूंगा यहाँ पे, और एक बटा दो का, एक बटा अंडर रूट दो है ना, बी का मान एक बटा अंडर रूट दो है, इसका भी होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे करते हैं, तो नौ का वर्ग होता है, सॉरी तीन का वर्ग जो होता है नौ है, और दो का वर्ग अपने पास चार है, माइनस लगा दिया बीच में, और एक का वर्ग एक हो गया, रूट दो का वर्ग अपने पास होता है दो, ठीक है दोस्तों। अब इस दोनों का लघुत्तम लेते हैं, चार आ गया, दो और चार का भाग इसमें दिया चार में एक बार, एक को नौ से गुणा किया नौ, फिर माइनस दो का भाग दो में चार में दिया दो बार गया, दो चार, और दो आए, दो को इसे एक से गुणा किया था अपने पास दो आ गए, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार अब नौ में से दो घटाते हैं अपने पास, तो सात आ जाते हैं, ये अपने पास हो गया सात बटा चार इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार अपना आंसर हो गया। आप तो साथियों अपना बीस वाले प्रश्न वो है, अपना दो पक्ष इसमें दे रखे हैं, हम दोनों पक्षों को एक साथ मान रख कर भी हल कर सकते हैं, और पहले इस पक्ष को हल कर सकते हैं, फिर दूसरे को कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है, इसलिए दोनों पक्षों को हम एक साथ लेके चलते हैं। बोर्ड परीक्षा में समय मायने रखता है, और ये जो प्रश्नावली है आपकी अभी नए सिलेबस के अनुसार अपनी अपनी सिलेबस में है, और इसको इसलिए इस प्रश्नावली पर विशेष ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। तो अपने पास कोस जीरो का मान होता है एक का स्क्वायर, स्क्वायर लिख दिया, ठीक है दोस्तों। माइनस दो लिखा है इंटू कोट तीस, कोट तीस का मान होगा आपके पास अंडर दी रूट, कोट तीस का मान जो है अपने पास रूट तीन का होल स्क्वायर, क्योंकि इस टेन थर्टी होता है उसका मान एक बटा अंडर रूट तीन होता है, उसका उल्टा कोट है, तो रूट तीन का होल स्क्वायर हो गया, प्लस तीन इंटू कोशेक नब्बे, साइन नब्बे का मान एक, कोशेक नब्बे इसका उल्टा है, इसका मान भी आपके पास साथियों एक का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दो है, दो लिख दिया, और सेक पैतालीस, सेक स्क्वायर पैतालीस, एंड सेक पैतालीस का मान आपके पास अंडर दी रूट दो, और ये आपके पास होल स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस टेन सिक्सटी, टेन साठ का मान जो होता है अंडर दी रूट तीन का, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अपने पास देखिए यहाँ पे एक माइनस दो इंटू रूट तीन का जो स्क्वायर करना है, वर्क करना अपने को, उसका मतलब रूट तीन को रूट तीन से गुणा करेंगे तो अपने पास तीन ही आएंगे। देखिए साथियों इस प्रकार से रूट तीन को रूट तीन से गुणा करते हैं तो हमें बराबर तीन मिलता है, कैसे, कि रूट तीन का मतलब ये होता है आपका कि तीन की घात एक बटा दो, ठीक है ना, फिर मैंने रूट तीन लिखा गुणा में, इसका मतलब ये हो गया तीन की घात एक बटा दो, यहाँ आधार बराबर है तो घाते क्या हो जाती है, जुट जाती है, ठीक है दोस्तों।
एक बटा जुड़ जुड़ गई और तीन की घात एक होगी, बराबर तीन आते हैं। इस प्रकार से रूट की कोई भी संख्या है उसको हम वर्ग करते हैं तो वही संख्या वापस बाहर निकल के आती है। प्लस एक का वर्ग एक होता है और तीन से गुणा करते हैं ना, तीन है, ये दो बार लिख दिया बराबर लगा के, और दो का वर्ग अपने पास दो माइनस तीन। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास देखो एक माइनस दो तीन छः प्लस तीन बराबर अपने पास इधर देखो दो इंटू माइनस एक, तीन में से माइनस तीन, दो में से माइनस तीन घटाना है तो माइनस की संख्या बचेगी, माइनस एक आ जाएगा। अब इसको इधर जोड़ते तीन और एक चार हो गए, माइनस छः बराबर माइनस दो, इधर भी माइनस दो और इधर भी माइनस दो, एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपना सवाल हल हो गया। हाँ तो साथियों, अपना जो 21वां प्रश्न है वो कुछ अलग प्रकार से है। इसने x का मान दिया हुआ है और जब x का मान दिया हो कुछ भी, आप यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, कहीं 60 डिग्री दे सकते हैं, कहीं 20 डिग्री, कुछ भी मान दे रखा है, तो आप क्या करेंगे इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले जहां जहां एक्स है वहां वहां जो मान दिया हुआ 30 जैसे यहाँ दिया हुआ आपने को साइन 3 इंटू 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 30 लिख देंगे, जहां जहां एक्स है वहां पे जो मान दे रखा है उसी को लिखना है। यहां लिखता हूं साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जहां जहां मान एक्स के लिखा हुआ वहां वहां लिख दीजिए। अब ये अपने पास हो गया इधर साइन 90 डिग्री और 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अब आप ये सवाल पहले हम जो लक्ष्य कर रहे थे वैसे हो गया। अब हम क्या करते हैं, त्रिकोणीय अनुपातों का मान लिख देते हैं। साइन 90 का मान होता है अपने पास एक बराबर 3 इंटू, ठीक है दोस्तों, और साइन 30 का जो मान होता है वो आपके पास 1/2 माइनस 4 इंटू, यहाँ साइन 30 का मान 1/2 लेकिन यहाँ पे क्या है होल क्यूब है। ठीक है, तो होल क्यूब लगा देंगे, यहाँ आपके पास एक, ये 3/2 माइनस 4 इंटू, ठीक है दोस्तों, यहाँ 1/2 का होल क्यूब है, इसका मतलब 1/2 को 3 बार गुणा करना हमें। ठीक है दोस्तों, अब जो कट रहा है उसे काटेंगे, 2 × 2 2 × 2 = 4 फिर 2 × 2 2 × 2 अब अपने पास क्या बच गया, इधर इधर तो एक ही है, इधर 3/2 माइनस यहां बच गया 1/2। ठीक है दोस्तों, यहां हम लघुत्तम लेते हैं, मैं आगे कर लेता हूं उसको, एक बराबर लघुत्तम लिया 2 क्योंकि सभी जगह 2, यहां पे भी 2 यहां पे भी 2 और लघुत्तम 2 ही आएगा अपने पास, और यहां ऊपर जो संख्या है जैसी है वैसी आएगी, बीच में जो चिन्ह है वही आएगा, तो 3 में से 1 हटा देंगे 2 2/2 हो गया, 2 × 2 2 × 2 बराबर क्या आ गया 1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अपने पास 1 = 1 आ गया और ये सिद्ध हो गया। हाँ तो दोस्तों, अपना जो सवाल है इसमें अपने को x बराबर 30 दे रखा है, हम पहले जहां जहां x है वहां 30 लिख लेते हैं, यहाँ 10 2 × 30 = 2 10 30 डिग्री अपॉन बटा जिसे हम कहते हैं 10² 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको और ये = अपने पास हो जाएगा, देखो 10 60 हो जाएगा अपने पास, 10 60 = 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 − 10² 30 डिग्री 30 डिग्री बटा 2 10² 30 माइनस ये बढ़ रहा 1 − 10² 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका मान रखते हैं 10 30 का मान तो अपने पास √3 है और 10 60 का मान अंडर दी √3 आ गया और 2 10 30 का मान अपने पास 1/√3 ठीक है गुणा में बटा अपने पास 1 − 10 30 है 1/√3 का होल स्क्वायर हमें यहाँ पे करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको इस प्रकार से करते हैं, देखिए आगे इधर तो अपने पास √3 इधर अपने पास क्या करना है 2/√3 है बटा अपने पास 1 माइनस
अब ये एक बटा अंडर रूट तीन का होल स्क्वायर है, इसका मतलब हो गया अपने पास एक बटा तीन, क्योंकि रूट तीन का वर्ग करते हैं तो अपने पास तीन आता है। अब हम इसके नीचे एक मान लेते हैं और इनका लघुतम लेते हैं, तो ये दो बटा अंडर रूट तीन बटा लघुतम लिया इसका तो तीन आया, इस एक का भाग तीन में दिया, तीन बार गया, तीन को एक से गुणा किया, ये तीन आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर तीन का भाग तीन में दिया एक बार, एक को एक से गुणा किया, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया और यहां पे एक लिख दिया। ठीक है दोस्तों, बराबर अंडर रूट तीन और दो बटा अंडर रूट तीन बटा तीन में से ये गया तो दो बटा तीन। अब मैं इसको ये भाग में जो संख्या है उसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, गुणा में ले जाऊंगा, तो दो बटा अंडर रूट तीन, ये रूट तीन पहले से इधर बराबर है बराबर, तो ये अपने पास तीन बटा दो हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये दो बटा तीन है भाग में, तो गुणा में जैसे ही लिखेंगे तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी, तीन बटा दो हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए साथियों, अपने पास कट रहा है उसे काट लिया, अब अपने पास इधर बच गया अपने पास तीन बटा अंडर रूट तीन, तीन तो ये बचा, रूट तीन बचा। अब हमें बटे हुए में हर में अगर रूट की संख्या है उसको अगर हम चाहते हैं कि वहां से हटाना है तो हमें इसका परिमेयकरण करना पड़ता है, जिसे हम इंग्लिश में रेशनलाइजेशन भी कहते हैं। वो बहुत ही आसान है, जो यहाँ लिखा है उससे ऊपर और नीचे अंश और हर में गुणा कर दीजिए, जैसे रूट तीन से ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं तो इसके मान में कोई बदलाव नहीं आता है। अब हम इसको गुणा करते हैं, देखिए दोस्तों, तो अपने पास इधर रूट तीन है इज इक्वल टू अपने पास तीन रूट तीन हो गया, ठीक है ना, और नीचे रूट तीन और रूट तीन दोनों गुणा होके आपके पास क्या आएगा, तीन आएगा, क्योंकि रूट की संख्या को गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आती है, फिर तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, इस प्रकार से आती हो तीन बराबर रूट तीन बराबर रूट तीन हो गया, ये आपके पास एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया। ठीक है दोस्तों, जो प्रश्न है वो आप साइन एक्स की तीस लिखते हैं, तीस डिग्री इज इक्वल टू अंडर द रूट वन माइनस कोस टू इंटू थर्टी डिग्री अपॉन टू। ठीक है दोस्तों, ये पूरा अंडर द रूट में है आपका, ये साइन तीस का मान जो अपने पास एक बटा दो हो गया, और अंडर द रूट वन माइनस कोस साठ हो गया, ठीक है दोस्तों, और बटा दो हो गया बराबर अपने पास। अब इसमें भी हम मान लिख लेते हैं वन माइनस कोस साठ का जो मान है आपका एक बटा दो है, ठीक है, बटा दो है। अब हम इस क्या करते हैं इसको, इसका इसके नीचे एक मानते हैं और एक और दो का लघुतम हम ले लेते हैं, अपने पास इधर बराबर एक बटा दो है और एक बटा दो बराबर अंडर द रूट, ये मैंने लघुतम दो लिया, बटा दो पहले से है बटा दो कर दिया, इसका एक का भाग दिया दो में, दो बार दो को इस एक से गुणा किया दो, माइनस दो का भाग दिया दो में एक बार, एक से गुणा किया एक बार। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे भी एक मान लेते हैं। अब अपने पास क्या होता है देखिए साथियों, अब दो में से इसमें से घटा लेते हैं, हम इसको घटाएंगे तो इधर तो अपने पास एक बटा दो है बराबर, दो में से एक घटाया तो अपने पास अंडर द रूट में क्या बच गया अपने पास, देखो दोस्तों, तो अपने पास एक बटा दो बटा दो। ठीक है ना, अब अपने पास इसके नीचे एक मान के चलते हैं तो अपने पास अंडर द रूट में हो जाएगा एक बटा दो, तो ये ही इंटू, अब जो संख्या ये भाग में है उसको गुणा में बदलेंगे तो ये संख्या ऊपर जाके दो बटा एक की जगह एक बटा दो हो जाएगी। ठीक है दोस्त, अब देखिए साथियों, क्या अपने पास एक बटा दो का जोड़ा बन गया, तो वर्गमूल में से जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है बराबर एक बटा, इस पूरे जोड़े में से एक बटा दो बाहर आ गई। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस। ठीक है सर, ये हाँ तो दोस्तों, अपने पास ये सवाल है, इसमें हम एक्स का मान रख देते हैं ना, तो कोस तीन इंटू तीस डिग्री, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू साइन सॉरी चार कोस क्यूब तीस डिग्री, एक्स है वहां पे तीस लिखना है, माइनस तीन कोस तीस डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास ये हो गया कोस नब्बे डिग्री, क्या हो गया दोस्तों, कोस नब्बे,
इधर जो संख्या है जैसी है वैसी लिख देंगे, माइनस तीन कोस 30 डिग्री। कोस 90 जो होता है आपके क्या होता है साथियों, जीरो होता है। ठीक है, यहां अपने पास चार है, कोस 30 का जो मान है आपके पास वो अंडर दी रूट 3/2 का होल क्यूब करना है, माइनस 3 और आपके पास हो गया अंडर दी रूट 3/2, क्योंकि कोस 30 का मान क्या है, अंडर दी रूट 3/2 होता है। अब हम इसको हल करते हैं आगे, तो यहाँ पे देखिए साथ इस प्रकार से इधर लगाते जाइए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको √3/2, √3/2, √3/2, ठीक है दोस्तों, माइनस 3 अंडर रूट 3/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ होल घात 3 है इसलिए 3 बार हमने गुणा में लिख दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, कट गया अपने पास। अब यहां पे अपने पास √3 और √3 गुणा होके क्या हो जाएगा अपने पास, ये 0 है, √3 और √3 गुणा होके अपने पास 3 हो गया, और 1 अंडर रूट 3 अपने पास, ये दोनों गुणा हुआ ये दोनों, और ये अपने पास बच गया, नीचे अपने पास क्या 1 × 1 × 2 यानी कि 2 बच गया। ठीक है दोस्त, माइनस 3 अंडर रूट 3/2। ठीक है, अब देखिए साथियों दोनों ही बराबर है, दोनों ही अपने पास क्या √3/√3, √3/2 माइनस 3√3/2 दोनों बराबर है, कट जाएंगे अपने पास, तो बराबर 0 बराबर अपने पास क्या आ गया 0। इस प्रकार से साथियों LHS बराबर RHS आ गया। ठीक है दोस्तों, हाँ तो साथियों अपना जो 22वां प्रश्न है इसमें दो मान दे रखे, ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री, हो तो सिद्ध कीजिए कोट ए माइनस बी इज इक्वल टू या बराबर कोट ए इंटू कोट बी प्लस ए। ठीक है दोस्तों, अब बटा या अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। ठीक है, जहां ए है वहां पर 60 लिखेंगे और जहां बी है वहां पर 30 लिखेंगे, मैं यहां लिखता हूं कोट ए यानी 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों, माइनस बी यानी 30 डिग्री, लिख दिया अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में चलते हैं, कोट ए यानी 60 डिग्री, ठीक है, कोट बी यानी 30 डिग्री प्लस एक, ठीक है, कोट बी का मतलब अपने पास 30 डिग्री माइनस कोट ए यानी अपने पास 60 डिग्री। हाँ तो दोस्तों अपने पास ये कोट 60 माइनस 30 यानी कि अपने पास कोट 30 रह गया। ठीक है दोस्तों, अपने पास आगे ये कोट 60 डिग्री, कोट 30 डिग्री और प्लस एक बटा कोट 30 माइनस कोट 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हम मान रखते हैं कोट 30 का जो मान होता है अपने पास ये 10 का उल्टा है, 10 30 का मान 1/√3 होता है, तो यहां पे अपने पास इसका उल्टा 3√3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपने पास कोट 60 यानी 10 60 का मान √3, तो कोट का हो गया अपने पास 1/√3 इंटू अपने पास कोट, अपने पास यहां पे क्या है कोट है, कोट 30 डिग्री, ये 10 30 का मान है, 10 30 का मान होता है अपने पास 1/√3 होता है, तो कोट है तो अपने पास √3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस एक लिखा एक लिख दिया अपॉन कोट 30, कोस 30 का मान जो है 10 30 है, 10 30 का मान 1/√3, तो कोट 30 का मान √3 माइनस, और 10 60 का मान जो होता है 10 60 का मान होता है आपके पास √3, यहाँ कोट 60 है तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको जो कटता है उसे काट लेते हैं, जिसका लघुत्तम लेना उसका ले लेते हैं, √3 से √3 तो कट गया अपने पास। ठीक है ना दोस्तों, अब अपने पास देखो क्या है, यहाँ पर √3 है, ये √3 इज इक्वल टू, अब अपने पास ऊपर एक बच्चा इधर भी एक बच्चा, एक प्लस एक कर दिया, और नीचे अपना क्या है लघुत्तम लेंगे
ठीक है ना, लघुत्तम लेंगे अपना तो अपने पास ये रूट तीन लघुत्तम आ गया, ठीक है। तो अपने पास हम लघुत्तम लेते हैं एक और अंडर रूट तीन का लघुत्तम लिया रूट तीन आया, एक का बार रूट तीन में दिया रूट तीन, रूट तीन को रूट तीन से गुणा करेंगे तो अपने पास तीन माइनस माइनस रूट तीन का भाग रूट तीन में दिया एक बार, एक को एक से गुणा किया तो अपने पास एक, ठीक है दोस्तों। अपने पास बराबर एक प्लस एक दो बटा तीन में से एक दिया तो दो बटा अंडर रूट तीन, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको क्या करते हैं, ये संख्या है दो है दो बटा एक, ये ऊपर वाली ये दो बटा एक है इंटू नीचे भाग में संख्या दो बटा अंडर रूट तीन, ठीक है दोस्तों। इस ये भाग में है इसको मैं गुणा में बदलता हूं तो ये अंडर रूट तीन बटा दो हो जाएगा, ठीक है। दो से दो तो कट गया और अपने पास क्या हो गया रूट तीन बराबर रूट तीन एल एच एस बराबर आर एच एस, ये हमें लिखना जरूर है, ठीक है। धन्यवाद साथियों, इसके साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले, धन्यवाद।